शुरुआत करते हैं खबरों की। पिछले दिनों हुई मौतों से सुर्खियों में रहा कस्बा जहानगंज। एक तरफ योगी सरकार बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कह रही है, वहीं योगी सरकार में बच्चों के भविष्य के साथ मजाक बनाया जा रहा है। आज जिला फरुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र का ताजा मामला सामने आया है, जहां विद्यालय भवन का एक कमरा रात में अचानक गिर गया। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे प्रधानाध्यापक ने जूनियर विद्यालय में शिफ्ट करवाए, जिससे बच्चे डरे हुए हैं और विद्यालय में जाने से मना कर रहे हैं, जिससे बच्चों के साथ होने वाला हादसा टल गया। जिला फरुखाबाद का प्रशासन बेखौफ होकर देख रहा है। फरुखाबाद शहर में कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनके अंदर व बाहर गंदगी व जल भराव हो जाता है और बिल्डिंग भी जर्जर हो गई है, जिससे विद्यालय में बच्चे पढ़ाने में दिक्कत आती है। जिला प्रशासन व शिक्षा अधिकारी व विकास अधिकारी भी आंखें मूंद कर बैठा है। प्रधानाध्यापक के बताने के मुताबिक विद्यालय के अंदर बच्चे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मामला कस्बा जहानगंज का है। सर, ये जो बच्चों की आपने लाइन लगवाई, किस लिए लगवाई? सर, ये आप देख रहे हैं कि स्कूल में तलैया का पूरा पानी भरा हुआ है, स्कूल में पैर रखने की जगह नहीं है। अगर हम बच्चों को यहाँ ले जाते हैं किसी भी तरह से, तो उनकी जान को बहुत खतरा है। पानी में बहकर तलैया में भी जा सकते हैं, जबकि वहाँ तलैया में कई बार घटनाएं हो चुकी हैं। तो सर, ये पास में जूनियर विद्यालय है, तो बच्चों को हम लाइन लगा कर वहीं ले जा रहे हैं, क्लासें वहीं लगवाएंगे। सर, जैसे हम तो फिलहाल अभी नए इंग्लिश मीडियम हुआ है जब से आए हैं, उससे पहले की स्थिति यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये ताल बगल में है, ये बता रहे हैं, सुना है कि बड़ा ही गहरा है और इसमें कई हादसे भी हो चुके हैं। तो आज आए, देखा कि काफ़ी पानी भरा हुआ है, बच्चे भी नहीं निकल पा रहे हैं और हम भी नहीं जा पा रहे हैं, सभी लोग यहाँ सड़क पर। अच्छा, जल भराव की वजह से आपके विद्यालय का भवन भी टूट के गिर रहा है? हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग सर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी है, मैं लिखकर भी दे चुका हूँ, कल भी दिया था, अभी सघन चेकिंग हुई थी वहाँ पर भी लिखित दिया था मैंने, उनको लिखित नोट करा दिया था कि ये गिर रही है लगातार, इससे बच्चों की जान माल का खतरा भी रहता है। क्या बच्चे सुरक्षित हैं आपके विद्यालय में? सर, इसकी स्थिति को देखते हुए तो काफ़ी ध्यान रखना पड़ रहा है, तभी सुरक्षित हैं, जरा सा भी अगर ध्यान भटक गया तो मुझे नहीं लगता है सुरक्षा। नाम है आपको? रामदार। गांव कौन सा आपका? जानगंज। अच्छा, विद्यालय के पास जो कूड़ा कचरा है, इसे क्या क्या हो सकता है बताएं आप? अभी इसको बीमारी बच्चों को लग सकती है, मतलब मच्छर सिर्फ ज़्यादा मर रहे हैं। इससे पहले भी मौतें हो चुकी हैं इसी गंदगी को लेकर? हो चुकी हैं, इस तालाब में डूबी भी चुके एक आध जने। बच्चे आज विद्यालय जो आए हैं, स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? आप तो जा नहीं रहे।